हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें. तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो. यूज़े एक यंग मॉडल की फोटो शूट कर रहा होता है. तो वो मॉडल कहती है कि क्या वो उसके बॉयफ्रेंड को भी फोटोग्राफी टिप्स दे सकता है. तो यूज़े हाँ कर देता है और मॉडल के क्लोज जाकर उसे पूछता है कि क्या वो उसके बॉयफ्रेंड से बेटर नहीं है. यूज़े जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी उसे कॉल आने लगता है. तो मॉडल पूछती है कि क्या कोई इम्पोर्टेंट कॉल है. तो यूज़े कॉल कट करके कहता है कि उससे इम्पोर्टेंट नहीं है ये कॉल. ये क्या कि वो उसे किस करने लगता है और बाद में उसे कहता है कि उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए. तो मॉडल वहां से चली जाती है. यूज़े बहुत ही बड़ा प्लेबॉय है. यूज़े यी फैन की आईडी कार्ड देखकर कहता है कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है. दिन में यी फैन को फोटो गैलरी में लाती है और बताती है कि किसी ने उसकी हेल्प की थी. तो वो उस लड़के को ढूंढ कर उसे थैंक्स कहना चाहती है. तो यी फैन उसके डिपार्टमेंट के लड़कों की फोटोज उसे दिखाने लगती है. तो डिंगमिंग कहती है कि इनमें से कोई भी नहीं है और कहती है कि वो चिंता ना करे, वो खुद ही ढूंढ लेगी. डिंगमिंग उसे कहती है कि वो इस चक्कर में अपने क्लास के लिए लेट हो जाएगी. तो यी फैन दौड़ के जाने लगती है जिससे उसकी ड्रेस का धागा खुलने लगता है. यी फैन ये देख कर परेशान हो जाती है. तभी यूज़े वहाँ आकर उसे अपनी जैकेट दे देता है. यी फैन उसे थैंक्स कहती है और पूछती है कि वो कोट को रिटर्न कैसे करेगी. तो यूज़े कहता है कि जब वो दोबारा मिलेंगे तो वो उसे दे सकती है. ये कह के वो वहाँ से चला जाता है. यी फैन सोचने लगती है कि वो लड़का है कौन, वो दोबारा मिलने की बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है. यी फैन क्लास में चली जाती है. टीचर सबको एसे के लिए टॉपिक देती है और यनके को कॉपीज कलेक्ट करने को कहती है. यी फैन को परेशान देख यनके उसे अपना एसे दिखाने लगता है. क्लास के बाद यी फैन शिवलिन के साथ होती है. तभी यूज़े वहाँ आ जाता है और उसे उसका आईडी कार्ड रिटर्न करता है. यी फैन उसे थैंक्स कहती है. यूज़े उसे ट्रीट देने की बात करता है उसकी हेल्प करने के बदले. तो यी फैन उसके साथ लंच करने लगती है. यनके उन दोनों को साथ में देख लेता है और ये देख कर वो अपसेट हो जाता है. यन के यी फैन को बहाना बनाकर लाइब्रेरी में बुलाता है. तो यी फैन उससे पढ़ाई में हेल्प करने की बात करने लगती है. तो यन के उसकी इंग्लिश में हेल्प करने लगता है. यन के उसे एक लव पोएम सुनाता है और पूछता है कि ये उसे कैसा लगा. तो यी फैन कहती है कि उसे ये पोएम ठीक से समझ में ही नहीं आई है. तो यन के उदास हो जाता है और कहता है कि ये टेस्ट में नहीं आएगा तो वो चिंता ना करे. यन के यी फैन से अपना प्यार कन्फेस करने के लिए आइडियाज ढूंढने लगता है. तो उसे एक मूवी से लव लेटर लिखने का आइडिया आता है. तो यन के लेटर लिख देता है और बुक में रख देता है और वो बुक वो जाके यी फैन को पढ़ने के लिए दे देता है. और वो यी फैन से कहता है कि वो इस बुक को पूरी तरीके से पढ़े. यी फैन बुक रख लेती है. यी फैन बुक को देख कर खुश होने लगती है. तो डिंगमिंग कहती है कि वो ज्यादा खुश ना हो क्योंकि यन के ने ये बुक पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके पास भी ये बुक है. तो यी फैन यनके की दी गई बुक को संभाल कर रख लेती है बिना पढ़े ही और डिंगमिंग से उसकी बुक लेकर पढ़ने लगती है. यनके यी फैन के जवाब का इंतजार करने लगता है. अगले दिन यनके यी फैन को वही बुक पढ़ते देख पूछता है कि क्या उसने अंदर लिखा नोट पर है. तो यी फैन को लगता है कि वो स्टडी नोट्स की बात कर रहा है. तो वो झूठ मूठ का हाँ कर देती है. यनके पूछता है कि उसे पढ़ कर कैसा लगा. तो यी फैन को लगता है कि यन के चेक कर रहा है कि उसने पूरी बुक पढ़ी है या नहीं. तो यी फैन कहती है कि उसे ठीक नहीं लगा. यन के को लगता है कि वो लव लेटर की बात कर रही है. तो वो खराब लगने का कारण पूछता है. यी फैन कहती है कि वो इस चीज के लिए नहीं बनी है. यन के पूछता है कि फिर उसने जो अब तक किया उसका क्या मतलब था. यी फैन को लगता है कि यन के को उसकी होमवर्क कॉपी करने की बात पता चल गई है. तो यी फैन उसे सॉरी बोल कर कहने लगती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी. यन के दुखी होकर वहाँ से चला जाता है. बाहर यन के को एक फ्लायर दिखता है जिसमें अपार्टमेंट रेंट के लिए नोटिस लगा होता है. तो यन के उस नोटिस वाले फ्लायर को ले लेता है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आए.
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.